हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूं कि 2023 के अंदर ऐसी कौन सी सबसे बड़ी गलतियां थी जिसकी वजह से मेडिकल के अंदर जो रिजेक्शन है बच्चों के वहां पर हुए। बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा सचेत किया गया था कि आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा, लेकिन बच्चों ने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, उसकी वजह से जो मेडिकल रिजेक्शन थे वो बहुत ज्यादा वहां पर हुए हैं। ऐसे बच्चे जिनके 550 और 600 नंबर भी थे वो भी मेडिकली रिजेक्ट हुए। तो आप ये सोच के चलिए कि अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि आप नीट का एग्जाम आप क्रैक कर लेंगे और बाकी के जो अगले फर्दर प्रोसेसेस होंगे वहां पे आपको लायबिलिटी मिल जाएगी, तो वो आपको वहां पर नहीं मिलने वाली है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इंटरव्यू की जो तैयारी थी वो बच्चों ने करी नहीं रखी थी। लास्ट में जब इंटरव्यू का समय वहां पर आया उस टाइम पे हमें लगा कि हम 15 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन लास्ट तक हमने हमारी टीम ने ये नोटिस किया कि उनको क्वेश्चंस के आंसर्स तक देना वहां पर नहीं आ पा रहा था। बहुत तरह की प्रॉब्लम्स बच्चों के अंदर वहाँ पे हो रही थी, एंड इसके लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला है 2023 के अंदर। जो हमारी इंटरव्यू हैंडबुक 300 रुपीज़ की थी वो हम आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आप उस फॉर्म को कंप्लीटली फिलअप करिएगा, अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस और जो डिटेल्स आपसे वहाँ पे मांगी ही होंगी आप उनको फिलअप करिएगा, और आपका जो ईमेल एड्रेस होगा या फिर आपका जो व्हाट्सएप नंबर होगा जो कि आप वहाँ पे डाल रहे होंगे उसके ऊपर जो किताब है वो आपके लिए वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगी। इसी के साथ में जिसका ध्यान और रखिएगा, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग नीट की प्रिपरेशन इस समय कर रहे हैं एंड वो करना लाजमी भी है। अगर हम रीसेंट गाइडलाइंस की बात करते हैं, रीसेंट के एनटीए का जो कैलेंडर रिलीज हुआ है अगर हम उसकी बात करते हैं, तो आपका जो एग्जाम है वो 5 मई को होने वाला है। समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, बहुत तरह की अभी तैयारी करना बाकी है। तो अभी जल्दी से आप ये सुन लीजिए कि ऐसे कौन से रीजन थे जिसकी वजह से मेडिकल रिजेक्शन 2023 के अंदर हुई, सो दैट कि आप उनको 2024 के अंदर वहां पे रिपीट ना करें। देखिए जी, पहली जो चीज जिसकी वजह से रिजेक्शन हुए थे दैट वाज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से रिजेक्शन हुए थे, बहुत सारी लड़कियां हीमोग्लोबिन की वजह से वहां पे रिजेक्ट हो गई। तो अभी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, अपने हेल्थ का जो ध्यान है वो साथ साथ में रखिए, क्योंकि अगर आप लास्ट में सोचेंगे कि मैं ये सारे के सारे काम उस समय कर लूंगी तो एकदम से वो चीज़ें वहां पर नहीं होती हैं। आपका जो हीमोग्लोबिन है वो 12 से 14 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, 12 टू 14 के बीच में आपका जो हीमोग्लोबिन है वहां पे वो होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि इस बार 11 पे चले गए थे, 10 पे चले गए थे, और मेडिकली उनको वहां पे रिजेक्ट कर दिया गया है। पहली चीज का आप यहाँ पे ये ध्यान रखिए। इतना करने के बाद आपको जो दूसरा ध्यान रखना है वो रखना है वेट का। मुझे पता है कि जब नीट के लिए पढ़ते हैं दिन रात बैठना पड़ता है, दिन रात पढ़ना पड़ता है, और हम ये सोचते हैं कि जब यार ये हो जाएगा ना मेरा, उसके बाद मैं फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दूंगी। तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। जब भी हम किसी भी लाइफ के अंदर किसी भी गोल के ऊपर जब फोकस कर रहे होते हैं ना, तो हम ये सोच के चलते हैं कि जब ये अकम्प्लिश हो जाएगा उसके बाद में ये करूंगा या ये करूंगी। लेकिन जब आप उसको अकम्प्लिश करते हैं अगला गोल सामने आ जाता है, तो ये साइकिल हमेशा से ही रिपीटेडली चलता रहता है। तो एक इसका ध्यान रखिए, अगर आपको दिन में कितने भी घंटे क्यों ना पढ़ना हो, आपको रोज अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स to 1 आवर जो एक्सरसाइज है उसके लिए आपको निकालने हैं। क्योंकि अगर आपका जो माइंड है वही अगर फ्रेश नहीं रहेगा, आपका वेट अगर अंडर कंट्रोल नहीं रहेगा, तो आप चाहे जितने मर्जी मार्क्स स्कोर कर लीजिए, वहां पे आपको जो रिजेक्शन है वहां पर वो मिलने वाला है। अब जी, इसके अलावा अगली जो चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वहां पर रहेगी, दैट इज योर आईसाइट, ठीक है, दैट इज योर आईसाइट। आईसाइट के ऊपर बड़े सारे रिजेक्शन हुए हैं, आप पहले ही चेक करवा लीजिए आपके जो नंबर हैं वो कितने हैं। अगर वो 2.5 से ऊपर है, -2.5 डायोप्टर से, अगर वो मान के चलिए इससे ज़्यादा आपकी पावर है, तो वहाँ पे दिक्कत होने की जो संभावनाएं हैं वो आपके लिए वहाँ पर बनी रहेंगी। एक चीज़ का आप और वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मेडिकल के अंदर अगर आपको रिजेक्ट नहीं होना है, एक चीज़ का आपको इसके अलावा और यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको एस्टिगमैटिज्म नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपको कैटरेक्ट की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल तरह की और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, आई डिसऑर्डर्स होते हैं, आपको वहाँ पर वो नहीं होने चाहिए। इसकी वजह से रिजेक्शन हैं वहाँ पर आपको वो मिलते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज योर नॉक नीज। नॉक नीज के अंदर जो रिजेक्शन हैं वो भी वहां पर हुई हैं, ठीक है, तो आपकी नॉक नीज भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी नॉक नीज है तो जो मेडिकल के अंदर रिजेक्शन है वो आपको वहां पर मिलने की पूरी संभावना है वो आपकी वहां पर रहती है। तो नॉक नीज आपकी नहीं होनी चाहिए। अब नॉक नीज के अलावा एक चीज आपको मैं यहां पर और बताता हूं, ठीक है, आपकी जी हाइट। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच के चलते हैं कि 1-2 सेंटीमीटर से तो कुछ नहीं होता, वहां पे हमें वो एक्सेप्ट कर लेंगे अगर हमारे नीट में नंबर ज्यादा होंगे, नहीं करेंगे। दिस इज इंडियन आर्मी, देयर नॉर्म्स आर वेरी क्लियर, दे आर कॉलिंग अप्रोक्सीमेटली 4,000 पीपल फॉर जस्ट 220 सीट्स। उनको चाहिए परफेक्ट लोग। अगर आप उस
क्राइटेरिया के अंदर फॉल नहीं करते हैं। 152 सेंटीमीटर इज द हाइट रिक्वायरमेंट फॉर द नॉर्मल फीमेल्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 147 टू 148 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। अगर आप इससे 1, 2 या 3 सेंटीमीटर अगर आप कम चल रहे हैं तो आप ये मान के चलिए वहां पे आपको वो लोग रिजेक्ट कर देंगे। चलिए आगे मैं चलता हूं ऑन द नेक्स्ट वन। इतना अगर आप वहां पे कर लेते हैं, इसके अलावा कुछ और चीजें आपसे वहां पे करी जाती हैं। आपका होता है ईयर वैक्स, ठीक है जी। ईयर वैक्स अगर आपका क्लियर नहीं है, आप इसको रेगुलरली क्लियर करते रहा कीजिए, ठीक है। क्लियर इट रेगुलरली, क्योंकि अगर आपका ईयर वैक्स वहां पर क्लियर नहीं होगा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए बताओ क्या खड़ी हो जाएगी, आपके कानों की जो इंस्पेक्शन है वो वहां पर ईएनटी डॉक्टर नहीं कर पाएगा। उसकी वजह से आपको दोबारा से बोलेगा कि आप इतने दिनों बाद फिर से जाइएगा, और जो फिर से जाते हैं वहां पे सिलेक्शन के रेट्स बहुत कम होते हैं। ईयर वैक्स का ध्यान रखिएगा। ईयर वैक्स के अलावा जी आपका होगा यूएसजी एब्डोमेन, ठीक है, यूएसजी एब्डोमेन, ठीक है। अब इनको यूएसजी का नहीं मतलब पता, मैं बताता हूं। अल्ट्रासाउंड आपका वहां पर होगा, और अल्ट्रासाउंड के अंदर अगर कोई वैसे आपके ऑर्गन्स में डिफॉर्मिटीज पाई जाती हैं, कोई वहाँ पे और प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वहाँ पे वो भी डेट की जाती हैं। तो ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं उनके थ्रू आपको वहाँ पर गुजरना होता है, एंड आपको इन पैरामीटर्स के ऊपर वहाँ पे खरा उतरना होता है, तभी आपकी जो मेडिकल के अंदर जो सिलेक्शन है 2024 की वो वहाँ पर हो पाएगी। अब इसके अलावा अब आप ये मान के चलिए अगर आप ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे कर लेते हैं, तो इसके अलावा आपको इंटरव्यू की जरूरत पड़ेगी। तो इंटरव्यू की जो फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, लिंक पे क्लिक करना, फॉर्म को फिलअप करना, एंड आपकी जो गाइड है आपके नंबर के ऊपर या फिर आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर वहाँ पे पहुँच जाएगी। तो डिटेल्स वहाँ पे सही भरना, डिटेल्स वहाँ पे बिल्कुल भी गलत मत भरना। अगर गलत भरोगे तो वहाँ पे जो बुक है वो आपके पास वहाँ पर नहीं आ पाएगी। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन डे वन से स्टार्ट कर दो, अभी जब अपनी तैयारी को शुरू कर रहे हो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, सो दैट कि जब लास्ट का समय आए उस टाइम पे हमें मोहताज ना होना पड़े कि हमें अब उस टाइम पे एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ रहा है। मल्टीपल तरह की जो चीज़ें होती हैं, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पर उस समय इनकाउंटर होती हैं, तो आपके साथ वो चीज़ें ना हो, इसलिए शुरुआत से ही बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी जो तैयारी है उसको आप वहाँ पर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। इतनी देर तक आप मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे कुछ और तरह की जो बातें हैं आपके साथ वहाँ पे कर रहा हूँगा। अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।